हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे 25th चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। लास्ट टाइम लोगों ने जो पोस्टल डिफॉर्मिटीज हमारी थी उनके करेक्टिव मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, दैट मीन भारत में महिलाओं की खेल की भागीदारी क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट में देखेंगे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, क्या है इसमें आपका, फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वी हैव टू टुक एट एंशिएंट पीरियड रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 एथेंस देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। दैट मीन खेल में महिलाओं की भागीदारी के लिए हमें प्राचीन काल में जाना होगा, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 एथेंस में, मैंने आपको बताया था ओलंपिक मूवमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, जो हमारे 1896 में एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे इसमें किसी भी महिला ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं थी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था कि कोई भी वुमेन उस ओलंपिक्स में उस टाइम पार्टिसिपेट करे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा पार्टिसिपेट इन इंडिया। ठीक है, जिनमें भारत में भागीदारी कब हुई, वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1900 ओलंपिक्स 22 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन, दैट मीन जो सन 1900 में ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट इसमें इंडिया की कोई भी वुमेन्स नहीं थी। 22 वुमेन्स में इसमें पार्टिसिपेट किया था बट इसमें इंडिया की कोई वुमेन्स नहीं थी। ये मैंने लाइन अपने पास लिख दी है। यहाँ पूछा गया है आपसे कि पार्टिसिपेशन इन इंडिया, इंडिया की जो महिलाएँ हैं, ठीक है, उन्होंने स्पोर्ट्स में कब पार्टिसिपेट किया, बट मैं ये लाइन मैंने मेंशन की कि फर्स्ट टाइम, मैं आपको आगे बताऊंगा इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया है। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि फर्स्ट टाइम किसी भी वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया, तो फर्स्ट टाइम 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था 1900 ओलंपिक्स में। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे आपका इन 2000 कर्णम मल्लेश्वरी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वॉन ब्रांज मेडल इन सिडनी ओलंपिक्स फॉर इंडिया। दैट मीन कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडिया से, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था किसमें, ओलंपिक्स में। दैट सिंपली मैं बोलूं तो सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिन्होंने भारत की ओर से सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें इन 1984 परफॉर्म ऑफ पीटी उषा वाज वेरी गुड इन एथलेटिक्स। दैट मीन आगे क्रम 1984 में परफॉर्म ऑफ पीटी उषा वाज वेरी गुड इन एथलेटिक्स। दैट मीन 1984 में पीटी उषा एथलेटिक्स में बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन 2012 लंदन ओलंपिक्स साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम गॉट ब्रॉन्ज मेडल। जेट में 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल और एम कबीरमान ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन 2016 रियो ओलंपिक साक्षी मलिक वॉन ब्रॉन्ज मेडल, पी वी सिंधु वॉन सिल्वर मेडल एक्सेट्रा। जेट मीन 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक और पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। ये थी हमारी कंट्री की, इंडिया की महिलाएं या वुमेन्स। ठीक है, ओवर द पास्ट सेवरल डिकेट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स फील्ड हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। दैट मीन पिछले कई दशकों में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पहले महिलाओं को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था, लेकिन जब रिजल्ट आने लगे अच्छे और महिलाओं की कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी तो धीरे धीरे क्या नाम है वुमेन्स को भी गेम्स में पार्टिसिपेट कराया जाने लगा। आइए मेथड देखते हैं इसके हम लोग। मेथड क्या है, मेथड इज टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। दैट मीन खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की विधि क्या है। ठीक है, देर आर वेरियस वेज इन विच वुमेन्स पार्टिसिपेशन कैन बी इंक्रीज। दैट मीन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। फर्स्ट आपका क्या है, कोचिंग प्रोग्राम्स, दैट मीन कोचिंग के कार्यक्रम। ठीक है, वुमेन शुड बी इंकरेज्ड एंड प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक लीडरशिप पोजिशंस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन। दे मस्ट बी गिवेन पॉजिटिव इंकरेजिंग एंड इंस्ट्रक्टिव फीडबैक। दैट मीन कोचिंग कार्यक्रम जो है इसमें महिलाओं को संगठनों के भीतर नेतृत्व के पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है और उन्हें अच्छी तकनीक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें सकारात्मक उत्साहजनक और शिक्षा पर प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेफ्टी, यानी सुरक्षा क्या होनी चाहिए। एक्सरसाइजिंग इन ग्रुप कैन मेक फिजिकल एक्टिविटी सफर
फॉर वुमेन एंड गर्ल्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड विद सेपरेट लोकेशन फॉर वुमेन। दैट मीन समूहों में व्यायाम करना महिलाओं और लड़कियों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लिए को सुरक्षित बना सकता है। इसलिए सामुदायिक खेल सुविधाएं जो होती हैं वो महिलाओं के लिए अलग स्थान प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैसिलिटीज, सुविधाएं क्या देनी चाहिए उनको। पहले आपका हो गया कोचिंग कार्यक्रम, फिर आपका हो गया सुरक्षा दैट मीन सेफ्टी, अब आपका आ गया फैसिलिटीज दैट मीन फैसिलिटीज। ठीक है, सुविधाएं क्या देनी चाहिए। चेंजिंग फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड दैट टेक इंटू अकाउंट वुमेन्स एंड गर्ल्स हाइजीन नीड्स। एडुकेट प्रोविजन फॉर चाइल्ड केयर शुड बी मेड सो दैट वुमेन विदाउट एनी हेजिटेशन कैन ब्रिंग देयर चिल्ड्रेन टू द पार्टिसिपेशन एंड ट्रेनिंग वेन्यूज। दैट मीन बदलती सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। कौन सी, जैसे कि जो महिलाएं और लड़कियों की स्वच्छता की जरूरतें को ध्यान में रखती हैं और चाइल्ड केयर के लिए पर्याप्त क्या होना चाहिए, प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि बिना किसी हिचकिचाहट के महिलाएं अपने बच्चों को भागीदारी और प्रशिक्षण स्थलों पर ले जा सकें। कहने का मतलब है कि महिलाओं और उन लड़कियों को ऐसी फैसिलिटी या सुरक्षा या सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए कि जहाँ पे वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं वहाँ वो अपने बच्चों को लेके जा सकें। ठीक है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं ना उनको लेके वो जा सकें और उनको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें प्राइस। ठीक है, मूल्य क्या है या सस्ता क्या है, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, पार्टिसिपेशन फी इन स्पोर्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड और अबोलिश्ड फॉर वुमेन। कंसेशंस फॉर ट्रेवलिंग एंड बोर्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन। दैट मीन महिलाओं के लिए खेल में भागीदारी शुल्क को कम और समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं को यात्रा और बोर्डिंग के लिए रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। आजकल आप लोग देखिए कोई भी फॉर्म आता है, जब किसी भी चीज़ में गेम्स हो गया, टिकट हो गया, कोई भी फॉर्म हो गया, कॉम्पिटिशन के फॉर्म हो गए, हर जगह महिलाओं को कंसेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ भी गेम्स में भी महिलाओं को कंसेशन दिया जा रहा है, किस तरह की एंट्री फीस में कंसेशन दिया जा रहा है उनको और बोर्डिंग और लॉजिंग में भी उनको कंसेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये थे आपका आज का टॉपिक। ठीक है, क्या था, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन वुमेन इन इंडिया, यानी भारत में महिलाओं की भागीदारी क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइम क्या नाम है, किस कि कितनी महिलाओं ने भाग लिया था स्पोर्ट्स में। ठीक है, और भारत ने फर्स्ट टाइम कब भाग लिया था स्पोर्ट्स में। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट टाइम वुमेन्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ने कब भाग लिया ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हेन वाज फर्स्ट टाइम इन टाइम इंडियन वुमेन्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स, इंडियन वुमेन ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये आपके चार क्वेश्चन हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बिना समझे आप लोग कोई भी टॉपिक करेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।